यशव हमशियाक के महान और सामर्थी नाम में मेरा आप सबको शब्बत शालोम। प्रिय जीजो, मेरा यहोवा अब आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने अदनोई का उसकी बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रिय जीजो हम यहोवा अब्बा के पवित्र कलाम से, उसके वचन से सीख रहे हैं। और सच में उसके वचन को सुनना, उसके पर मनन करना, उसके अनुसार चलना कितना ही ज्यादा धन्य है प्रिय जीजो, क्योंकि वो धन्य लोग हैं जो यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं और मानते हैं। प्रिय जीजो, तो आज एक बार फिर से हम यहोवा अब्बा के पवित्र वचन से और बहुत सारी भेद की बातों को सीखने के लिए यहोवा की हजूरी में है। तुम अपने ध्यान को यहोवा की ओर लगाए ताकि आज के वचन के द्वारा हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल कर सके। प्रिय जीजो, तो आए हम इसराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इसराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे, और इसराइल के जो खोई हुई भेड़े हैं वो यशव हमशियाक के नाम से बचाई जाएं, उद्धार पाएं। और यहोवा इसराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे यशव के नाम से, आमीन। प्रिय जीजो, आज का जो हमारा विषय है वो है धन्य अंगीकार। आज हम अंगीकार के विषय में बाइबल से सीखेंगे, और जब आप इस विषय को सीखेंगे तो सच में आप अपने जीवन में यहोवा की आशीषों को, बरकतों को हासिल करेंगे। तो आप इस पूरी स्टडी को बड़े ध्यान से सुने ताकि आप अंगीकार के विषय में बहुत अद्भुत तरीके से सीख सके। प्रिय जीजो, अंगीकार का अर्थ है हमारे होठों का फल, हमारे होठों से जो हम शब्द को बोलते हैं। याद रखें, जो अपने होठों से हम शब्द को निकालते हैं वो एक बीज है, और जैसा आप बीज बोते हैं वैसा ही फल आप काटेंगे। हमारा विषय है धन्य अंगीकार। याद रखें, जब आप धन्य बीज बोएंगे, खुशी से बीज बोएंगे, अच्छा बीज बोएंगे, तो याद रखें आप अपने जीवन के लिए अच्छा फल काटेंगे। लेकिन यदि आप श्रापित बीज बोएंगे, यानी कि श्राप से भरे हुए शब्दों को बोलेंगे या उसका अंगीकार करेंगे, तो याद रखें फिर आप अपने जीवन के लिए श्रापित फसल को या श्रापित फलों को काटेंगे, जो बहुत पीड़ादायक और दुखों से भरा हुआ होगा। प्रिय जीजो, आए हम आज बाइबल से सीखे कि बाइबल इसके विषय में हमें क्या शिक्षा देती है, और हमें किस प्रकार से अपने अंगीकार को यशव मशियाक की हजूरी में करना है। तो मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय जीजो, जब आप इब्रानिया 10 अध्याय 23 वचन को पढ़ते हैं, तो इब्रानिया 10 अध्याय 23 वचन में लिखा, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा और विश्वास के योग्य है। प्रिय जीजो, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें वो अंगीकार करना है जो आशा से भरा हुआ है, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि आशा से लज्जा कभी भी नहीं होती। पालूस यहोवा का बहुत ही अद्भुत सेवक है, दास है, और बाइबल के अंदर वो यहोवा की आज्ञाओं में, उसके हुक्मों में बना हुआ है, लेकिन वो एक अंगीकार करता है कि मुझे विश्वास है कि यशव मशियाक यीशु मसीह मेरे मुकुट की वो अंत तक रखवाली करेगा। उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं अपने आप से अपने मुकुट की रक्षा करूंगा, लेकिन वो बताता है कि यशव मशियाक के ऊपर मेरा ईमान है कि वो मेरे मुकुट की, मेरे धरोहर की अंत तक रखवाली कर सकता है। उसका ये अंगीकार है, उसका ये विश्वास है। और याद रखिए, आप अपने विश्वास के अंगीकार को जब आप यशव मशियाक के हजूरी में बोलते हैं, याद रखें वो शब्द यीशु मसीह पकड़ते हैं, यीशु मसीह के पास जाते हैं। इसीलिए प्रिय जीजो, हमें जब हम प्रार्थना में होते हैं या हम जैसे भी बात कर रहे होते हैं या जहां भी हम बोलते हैं, हमें आशा से भरे हुए शब्दों को बोलना है, हमें विश्वास के शब्दों को बोलना है, और सच में वो हमारे जीवन के लिए हो जाएगा। हो सकता है इस वक्त आपका जीवन प्रार्थना में बहुत सुस्त हो, वचन पढ़ने में आप सुस्त हैं, आपको इब्रानी नहीं आती, आपके घर के अंदर समस्याएं हैं, आप प्रॉब्लम्स के अंदर हैं, आप तकलीफों में हैं, पर याद रखें मैं आपको बताता हूं, आप अंगीकार करें। इस प्रकार से आप अंगीकार करें, यीशु मसीह, यशव मशियाक, आपके अनुग्रह के द्वारा मेरे हालात, मेरी परिस्थिति बदल जाएगी। आप अंगीकार करें, यीशु मसीह, आपके अनुग्रह के द्वारा मेरा जीवन प्रार्थना से भरपूर होगा। आप अंगीकार करें, यीशु मसीह, आपके अनुग्रह के द्वारा मैं प्रार्थना और वचन में लौलीन रहूंगा। आप अंगीकार करें, यीशु मसीह, आपके अनुग्रह के द्वारा मेरे
जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलेगी। आप अंगीकार करें यीशु मसीह, आपके अनुग्रह के द्वारा मैं आपके करुणा से आपकी दया से घिरा रहूंगा। आप अंगीकार करें यीशु मसीह, मैं आपकी इच्छा को बाइबल के अनुसार पूरा करूंगा। आप अंगीकार करें यीशु मसीह, आपके अनुग्रह के द्वारा मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। याद रखें, जो कुछ भी आप विश्वास से अपने लिए वचन के अनुसार अंगीकार कर रहे हैं वो शब्द हां और आमीन में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंगीकार का महायाजक है। याद रखें, यीशु मसीह पिता के सामने है, पिता के दाहिने हाथ है, और वो आपके अंगीकार को लेता है और यहोवा के पास लेकर जाता है। हमारे शब्द, हमारी प्रार्थनाएं डायरेक्ट यहोवा अब्बा के पास नहीं जा सकती, लेकिन यीशु मसीह, यशवा है मशियाक, हमारे अंगीकार के शब्दों को, हमारी जो प्रार्थनाएं वचन के अनुसार है उन शब्दों को हमसे लेकर वो पिता के पास लेकर जाता है। और जब पिता यहोवा अब्बा हमारे उस अंगीकार के शब्द को सुनता है कि मेरे बच्चे का ये विश्वास है, तो वो यहोवा अब्बा आमीन बोल देता है, यानी कि जैसा हमारा विश्वास है वैसा हमारे लिए हो जाए। याद रखें, जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई में थे, कोड़ी यीशु मसीह के पास आए, अंधा यीशु मसीह के पास आया, जब कोड़ी यीशु मसीह के पास आया तो कोड़ी ने कहा, यदि अदनोई यशवा आप चाहें तो हमें शुद्ध कर सकते हैं। उसने अंगीकार किया, एक अच्छा अंगीकार, और यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं, आमीन, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वो कोड़ी शुद्ध हो गया। प्रिय यीशु, अंधा यीशु मसीह के पास आया और कहा, ए दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह ने अंधे से पूछा, मैं तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? उसने कहा, हां, मुझे विश्वास है। उसने अंगीकार किया और यीशु मसीह ने आमीन बोल दिया। और जब यीशु मसीह ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए, आमीन का अर्थ यही है कि जैसा हमने मांगा है वैसा हमारे लिए हो जाए। यीशु मसीह ने उसके विश्वास के साथ अपनी सहमति को एक कर दिया, अपने आप को एक कर दिया और आमीन बोल दिया। प्रिय जीजो, और अंधे के लिए एक बड़ा कार्य हो गया, अंधा देखने लगा। याद रखे, जो कुछ भी आप विश्वास के द्वारा बोल रहे हैं, अच्छा बीज बो रहे हैं अपने लिए कि यीशु मसीह आपके अनुग्रह के द्वारा मेरे लिए यह होगा, मेरे लिए वो होगा, मेरा जीवन आत्मिकता से भरपूर होगा, मैं आपके वचन का पालन कर पाऊंगी या करूंगा, या आपके अनुग्रह के द्वारा मेरे लिए सब कुछ भला होगा, तो सच में यशवा के अनुग्रह के द्वारा आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। प्रिय जीजो, आप अच्छा अंगीकार करें, आपके लिए होगा। हो सकता है आपके बच्चे यहोवा से दूर हो, बुराई में हो, या आपके परिवार में या आपके घर में कोई यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानता, आप उनके लिए अच्छा अंगीकार करें। यशवा है मशियाक, आपके अनुग्रह के द्वारा मेरे बच्चों का जीवन बदल जाएगा, मेरे भाई मेरे बहन का जीवन बदल जाएगा, वो आपको अपना उद्धार करता स्वीकार करेंगे। मैं विश्वास करता, आप विश्वास करें, वो शब्द यशवा है मशियाक पिता के पास लेकर जाएगा, और आपकी जो प्रार्थना है, आपका जो अंगीकार है, वो जब यहोवा अब्बा सुनेंगे, आपके विश्वास को वो देखेंगे, वो आमीन बोलेंगे, और आपके लिए एक बड़ा मिरेकल, एक बड़ा चमत्कार हो जाएगा। इसीलिए प्रिय अजीजो, आप अपने होठों से अच्छा बीज बोए, लेकिन सावधान, जो लोग गंदा बीज बोलते हैं, कई लोग कहते हैं हम मर जाएंगे, कई लोग कहते हैं हमारा बच्चा हाथ से निकल गया है, कई लोग कहते हैं कि मेरे घर में तो सब कुछ बुरा ही हो रहा है, वो अपने लिए गंदा 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 और गंदा ही बोलते रहते हैं, बुरा बोलते हैं, अपने आप को श्राप देते हैं, अपने परिवार के, अपने बच्चों के को श्राप देते। याद रखे, उन गंदे शब्दों को शैतान पकड़ता है, दुष्ट उन गंदे शब्दों को पकड़ता है, और फिर वो गंदे शब्दों को पकड़कर वो आपके जीवन में पूरा कर देता है। इसीलिए सावधान, यीशु मसीह जब गंदे शब्दों को सुनता है, वो सच में आपसे खुश नहीं है, आपसे प्रसन्न नहीं है, लेकिन दुष्ट खुश हो जाता है, और दुष्ट बुरी शब्दों के द्वारा आपको दुखी करता है, आपको परेशान करता है, और आप अपने बोले हुए शब्दों के कारण पीड़ा को उठाते हैं, दुखों को उठाते हैं। प्रिय जीजो, इसीलिए फैसला आपके हाथों में, आपको अच्छा बीज बोना है या बुरा बीज बोना है। अच्छा बीज
आपके लिए अच्छा फल लेकर आएगा, गंदा बीज आपके लिए गंदा फल लेकर आएगा। इसलिए आप अपने आशा के अंगीकार को, अच्छे शब्दों को बोएं और उसके अनुसार करें, फिर आपके लिए वो बातें भलाई को लेकर आएंगी, आपके लिए अच्छा होगा। जब आप भजन संहिता 23:6 को पढ़ते लिखा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये एक धन्य अंगीकार है प्रिय अजीजो, ये फ्यूचर की बात है। दाऊद कहता है मुझे निश्चय है श्योरली कि भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी। ये उसका विश्वास है, ये दाऊद का धन्य अंगीकार है। और उसके इस अंगीकार के अनुसार आप बाइबल में देखते हैं कि वो यहोवा की करुणा से, यहोवा की दया से घिरा रहा। प्रिय अजीजो, भलाई और करुणा उसके साथ साथ बनी रही और वो यहोवा के धाम में, यहोवा के भवन में, यहोवा के स्वर्गीय मंदिर में हमेशा के लिए है। हमेशा के लिए वो वहां पर यहोवा के जलाल में, उसकी महिमा में है। प्रिय अजीजो, जैसा दाऊद ने अंगीकार किया वैसा उसके लिए हो गया। जैसा आप अपने लिए अच्छा अंगीकार करेंगे वैसा आपके लिए हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, आपके अंगीकार वचन के अनुसार हो। ऐसा अंगीकार नहीं करें कि यीशु मसीह आपके अनुग्रह से मेरे पास ओडी आ जाएगा, मेरे पास अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी, अच्छा कार हो जाएगा, अच्छी जॉब हो जाएगी, अच्छा सब कुछ हो जाएगा। याद रखिए, यीशु मसीह आपकी अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेगा। लेकिन वो शब्द जो वचन के अनुसार है, वो अंगीकार जो वचन के अनुसार है, याद रखें उन अंगीकार को, शब्दों को यीशु मसीह आपके लिए पूरा करेंगे। प्रिय अजीजो, आप वचन के अनुसार बोले। याद रखें, नीति वचन 18:21 सिखाता है, जीत के वश में मौत और जीवन दोनों हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। याद रखें, आपके शब्दों में मौत भी है आपके लिए और जीवन भी है। जब मौत के शब्द को बोलेंगे, शैतान उन शब्दों को आपके लाइफ में पूरा करेगा और आप सच में दुखों को उठाएंगे, पीड़ाओं को उठाएंगे, और फिर भी आप अपने आप को कोसते रहेंगे कि आप फिर परमेश्वर को ही कोसेंगे कि हमारे साथ कैसा क्यों। लेकिन याद रखें, इसमें यहोवा की कोई भी गलती नहीं है, आप ही गलती। आपने अपने लिए गंदा बीज बोया है, आप अपने लिए गलत बोलते, अपने परिवार के लिए गलत बोलते हैं, गलत शब्द को बोलते, गलत सोचते हैं, इसीलिए आप अपने अपने जीवन के ऊपर मौत को ले आए हैं। आप अपने जीवन के अंदर श्राप की फसल को काट रहे हैं और पीड़ा को उठा रहे हैं। यदि आप अच्छे शब्द को बोएंगे तो जीवन का फल खाएंगे, जीवन का मुकुट पाएंगे। इसीलिए प्रिय अजीजो, सावधान, आप कैसा बीज बो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अपने शब्दों को बहुत तोल कर, सोच समझ कर बोएं। आशा का अंगीकार करें, यीशु मसीह आपके अनुग्रह के द्वारा मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेंगे। यहोवा आपको आशीष दे। जब आप बाइबल के अंदर पढ़ेंगे, हम एक उदाहरण को देखते हैं, 2 Kings 4:26-28, ये पूरा चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, एक औरत का जिक्र है जो शुनमीन की औरत है, और वो अलीशा को देखती है कि वो उसके घर के पास से गुजरता है, और उसको देखकर वो कहती है, मुझे कोई धर्मी जन दिखता है, पवित्र जन दिखता है। और याद रखें, आज तो लोग धर्मी जन नहीं, फेमस है। पास्टर लोग फेमस दिखते हैं, धर्मी कम दिखते हैं, फेमस ज्यादा है। लेकिन अलीशा पवित्र व्यक्ति था, वो फेमस नहीं था पर वो धर्मी और पवित्र था। उसने अपने पति से बात की कि मुझे ये पवित्र जन नजर आता है, उसके लिए कमरा बनाना है, एक खाट, एक टेबल, एक कुर्सी लगाना है, एक दीवट रखना है, ताकि जब जब वो यहाँ आए वो हमारे पास रहे। अलीशा से उसने विनती की, अलीशा उसके पास रुकने के लिए तैयार हो गया। और जब अलीशा वहां रहता था, अलीशा को लगा ये औरत हमारे लिए बहुत सेवा करती है, हमें इसको कुछ देना चाहिए। उसने गहजी से पूछा, गहजी ने बताया इसके पास कोई बच्चा नहीं है। अलीशा ने बताया उसको कि अगले साल तेरा एक पुत्र होगा, और सच में यहोवा ने उस औरत को पुत्र की आशीष दी। लेकिन क्या हुआ, जब कुछ साल बीते वो बेटा मर गया। प्रिय अजीजो, और वो स्त्री अलीशा से भेंट करने के लिए, मिलने के लिए आगे बढ़ने लगी। याद रखे, उसके घर में एक बच्चा मर गया है, हालात सामान्य नहीं है, सब कुछ नॉर्मल नहीं है, कुशल से नहीं है। लेकिन जब वो आगे बढ़ रही थी, तो जब उससे पूछा गया, क्या तेरे घर में तेरा पति कुशल से है, सब कुशल से है, बच्चा कुशल से, बच्चा ठीक है, उसने कहा सब कुशल से। उसने विश्वास के द्वारा बोला कि सब कुछ ठीक है,
मुझे उस व्यक्ति के पास जाना है जिसके द्वारा मुझे आशीष मिली है। याद रखे, सब कुछ ठीक है। हो सकता है सब कुछ घर के अंदर खराब चल रहा हो, सब कुछ बिगड़ा हो, लेकिन आप अपने होठों से अंगीकार ना करें कि सब कुछ खराब है, सब कुछ ठीक है। क्योंकि जब आप अपने अच्छे अंगीकार को यीशु मसीह के पास लेकर जाएंगे, अपनी पीड़ाओं को यीशु मसीह के साथ शेयर करेंगे, अलीशा यीशु मसीह की यहां तस्वीर है प्रिय अजीजो, वो औरत हमारी तस्वीर है, याद रखना है। बच्चा मर गया है, वो हमारी तकलीफ हमारी समस्याओं को दिखा रहा है। याद रखें, आपको यीशु मसीह से बात करनी है, ना कि लोगों के आगे अपने दुखों को अपनी तकलीफों को रखना। इस औरत सीखने की हमें जरूरत है। हम हर किसी के आगे अपना रोना गाते रहते हैं, अपनी तकलीफों को बताकर अपने दुख को और बढ़ाते जाते हैं। याद रखे, लोग आपकी समस्याओं को हल नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह ही आपकी प्रॉब्लम्स को आपकी समस्या को हल कर सकते हैं। वो औरत अलीशा के पास आई और उसने अलीशा को अपने विषय में सब कुछ बताया, लेकिन जितने लोग उसको मिले उन सबको उसने कहा सब कुशलते हैं, सब अच्छा है। उसने धन्य अंगीकार किया प्रिय जीसो, और याद रखे उसके शब्द फलवंत हुए। अलीशा उस लड़के से भेंट करने के लिए चला, और अलीशा ने जब उस लड़के के लिए प्रार्थना की, उस लड़के के ऊपर वो लेटा, लड़का फिर से जीवित हो गया प्रिय जीसो। ये बड़ा मिरेकल यहोवा ने उस औरत के लिए किया। क्यों? क्योंकि उसका अंगीकार धन्य था प्रिय जीसो, उसका विश्वास बड़ा था, सब कुछ खराब था, लेकिन उसने कहा सब कुछ अच्छा है। याद रखे, वो विश्वास से अपने लड़के को जीवित देख रही थी, वो विश्वास से सब कुछ अच्छा देख रही थी प्रिय जीसो। इसीलिए आप अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य और धर्मी है प्रिय जीसो। हाँ, यीशु मसीह आपके लिए बड़ा काम करेंगे, लेकिन आप विश्वास योग्य बने रहें। जब आप मरकस 5 अध्याय उसके 25 वचन को पढ़ते हैं, एक औरत जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था और वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था, वो एक धन्य अंगीकार करती थी कि यदि मैं यीशु मसीह के झालड़ को छू लूंगी, उसके सिसीत को छू लूंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये अंगीकार है। एक वो औरत जो 12 साल से लहू बहने के रोग से पीड़ित है, मर चुकी है, वो जिंदा डेड बॉडी है, वो सांसें ही चल रही थी। सोचे, यीशु मसीह को भीड़ की भीड़ घेरे हुए चलती थी और बड़ा मुश्किल था उसके लिए, लेकिन वो पीछे से रेंगती हुई आई, और व्यवस्था बताती है कि ऐसी औरत अशुद्ध है और कोई उसको छूना नहीं चाहता, क्योंकि जो कोई उसको छुएगा वो अशुद्ध हो जाएगा। जैसे लोग उस औरत को देख रहे थे, वो साइड हो रहे थे, वो हटते जा रहे थे, और वो औरत भीड़ को चीरती हुई यीशु मसीह के पास पहुंच गई। ये बातें क्यों हुई? क्योंकि वो अंगीकार करती थी, और जो वो अंगीकार कर रही थी अपने लिए, वो उसके लिए हो गया। वो धन्य अंगीकार कर रही थी, वो अपने लिए अच्छा अंगीकार कर रही थी, और जैसा उसने विश्वास किया था, जैसा उसने अंगीकार किया था, बिल्कुल वैसे का वैसा ही उसके लिए हो गया। प्रिय जीसो, आप अपने लिए क्या अंगीकार कर रहे हैं? आप अपने शब्दों के ऊपर गौर करें, अपने जीवन के ऊपर गौर करें। जो आप अंगीकार कर रहे विश्वास के द्वारा आपके लिए हो जाएगा। विश्वास करें, यीशु मसीह आपके अंगीकार का महायाजक है प्रिय जीसो, और वो आपके लिए सब कुछ अच्छा करने की सामर्थ रखता है, पर आप विश्वास योग्य रहें। उस औरत ने विश्वास से अंगीकार किया कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, यदि उसके झालड़ को छू लूंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और बिल्कुल ठीक जैसे उसने अंगीकार किया था, जैसे ही उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, उसकी सुसीत को, उसके झालड़ को छुआ, वो तुरंत शिफा पा गई, तुरंत चंगी हो गई। एक बड़ा मौजजा मिरेकल वहां पर हुआ। पर क्यों हुआ? क्योंकि उसका विश्वास था, उसका अंगीकार था। आज आपका अंगीकार कहां है? आपका विश्वास कहां है? आप अपने होठों से कौन सा बीज बो रहे हैं? मौत का बीज बो रहे हैं या जीवन का बीज बो रहे हैं? प्रिय अजीजों, याद रखिए, जब मौत का बीज बोएंगे, मौत की फसल को काट लेंगे, जीवन का बीज बोएंगे, जीवन की फसल को काटेंगे, क्योंकि आपके जीव के वश में मौत और जीवन दोनों ही है। इसीलिए प्रिय जीजो, आप धन्य अंगीकार करें, अच्छा बीज बोए ताकि आप अच्छा फल काटे। जो हम आप सबके साथ हो, यीशु मसीह आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। सच में यीशु मसीह हमारे अंगीकार का
महायाजक आए हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थाम के रखें। हम कहें यीशुआ है मशीह, आपके अनुग्रह के द्वारा मैं आत्मिकता में बढ़ता जाऊंगा, मैं प्रार्थना और वचन में बढ़ता जाऊंगा, मैं विश्वास में दृढ़ होता जाऊंगा। आपके अनुग्रह के द्वारा मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी और मैं विश्वास करता हूं ये सब बातें मिलकर आपके लिए एक बड़ी भलाई को उत्पन्न करेंगी। प्रिय जीजो, यहोवा अब्बा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शबर शलोम, आमीन।